कि मंदिर के में आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये ना सत्ता पक्ष का विषय है ना विपक्ष का विषय, ये वो उस हर हिंदुस्तानी का के मन का विषय है जो सैकड़ों वर्षों से ये सपना देख रहा था कि भगवान राम अपने भव्य मंदिर में आएंगे, वह सपना साकार हुआ। आज पूरी दुनिया जहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जहाँ पर हिंदू हैं या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, आज उनका वह सपना साकार हुआ है। इस नाते आज के दिन पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सबको सब लोग कोई किसी दल में काम करता होगा लेकिन भगवान को सब मानते हैं, और आज सब लोग एक साथ मिल करके खुशी मना रहे हैं, उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए राहुल गांधी मानते हैं नहीं मानते हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन अगर अयोध्या में उनको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण भेजा गया था तो उसमें उनको आना चाहिए था, उनको आने से किसी ने मना नहीं किया। रही एक मिनट नहीं रही ये रही बात इसी मंदिर में वो गए, वहाँ के साधु संतों ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मुझे जानकारी नहीं है किन परिस्थितियों में किया, लेकिन आज पूरे देश के सभी मंदिरों के सभी बड़े बड़े महंत सभी बड़े बड़े पुजारी और सभी राष्ट्रभक्त आज अयोध्या में जाकर आमंत्रित थे, उनको वहाँ पर आना चाहिए था। एक दिखावा कर रहे हैं और इस दिखावा को देश की जनता समझ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज के दिन कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, राम सबके हैं, सब राम में है, और इस नाते आज हम सब के लिए पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मोदी सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में लगातार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करके इस केस की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसका आभार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का व्यक्त किया है। मैंने कहा ये आज का विषय राजनीतिक ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी या इस देश का हिंदू या सनातन धर्म मानने वाले लोग, उनके लिए राम भगवान है, हमारे आराध्य देव है। आज अगर वो सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं तो सबको खुशी मनानी चाहिए। हम राजनीति के लिए नहीं करते हैं, हम राष्ट्रनीति के लिए ये काम करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रनीति के लिए, राष्ट्र के प्रतीक है राम, राष्ट्र की एकता अखंडता सामाजिकता के प्रतीक है राम, और इस नाते राम के ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं होती। देखिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों का सपना था, ऐसे लाखों की संख्या में या सपना देखते देखते लोग शहीद हो गए, उन सबका सपना साकार हुआ, उनको सबसे बड़ी और सबसे सच्ची श्रद्धांजलि आज अर्पित हुई है, क्योंकि वो सपना देखते हुए संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे, आज उनको श्रद्धांजलि मिली है जब भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हुए। भाई ये तो हम नहीं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि एक राष्ट्रभक्त एक राम भक्त जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो राम के मंदिर को बनाने के लिए जो भी कानूनी अड़चन या किसी प्रकार का अड़चन आता है उस अड़चन को समाप्त करने का प्रयास करता है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। नहीं देखिए ये तो केवल एक विषय की बात नहीं है, किसी भी विषय पर मोदी है तो मुमकिन है। गरीबों को आवास मिला तभी जब मोदी आए, गरीबों को शौचालय बना तभी जब मोदी आए, गरीबों के घर में रोशनी पहुंची जब मोदी आए, गरीबों को खाने की व्यवस्था हुई जब मोदी आए, गरीबों को दवा कराने की व्यवस्था हुई जब मोदी आए, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, यह मोदी जी एक बार नहीं बार बार साबित किए। अब जिस रूप में देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है, मैं भी ये कहता हूँ ये दैवी शक्ति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, इतना समस्या समाधान हो रहा है।